दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाना, और वीडियो देखने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज डिसलाइक मत करना। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो देखते नहीं है, उनका सिर्फ काम ही यही है कि वो वीडियो खोलते हैं और डिसलाइक करते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्यों जलते हैं ऑल इंडिया की सच्ची खबरों से, आंगनबाड़ी बहनों के लिए उठाई जाने वाली इस आवाज से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिनको पसंद आती हैं खबरें, आप लोग लाइक जरूर किया करें। आगे चलते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना अगर आपने नहीं दबाया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, बलरामपुर से एक ये लेटर निकला था, बाल विकास परियोजना अधिकारी बलरामपुर में एक लेटर उन्होंने 25 जनवरी को बहनों निकाला है कल, और इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैटर है बाल विकास परियोजना हरैया सतघरवा बलरामपुर का। यहां पर लिखा है, कतिपय मुख्य सेविकाओं द्वारा पात्र लाभार्थियों में राशन वितरण ना कराकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अवैध वसूली के संबंध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत के दृष्टिगत जिला कार्यक्रम अधिकारी बलरामपुर के पत्र संख्या सब पड़ी हुई है 23 जनवरी के द्वारा सचेत करते हुए इस आशय के निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित सत्यापन करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लाभार्थी को मानक के अनुरूप राशन प्राप्त कराया जा रहा है अथवा नहीं, पंजीकृत लाभार्थियों के सापेक्ष वास्तविक लाभार्थियों को राशन की मंशा अनुरूप 100% लाभान्वित करना सुनिश्चित करें, तथा ग्राम पंचायत में गठित ग्राम निगरानी समिति द्वारा भी निगरानी रखी जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को गंभीरता से लिया जाए। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है जिसके चलते लाभार्थियों को राशन ना प्राप्त होने व अवैध वसूली की शिकायत की जा रही है तो संबंधित परिक्षेत्र की मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु सुसंगत आख्या सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि जो लाभार्थी है उनसे उन्होंने शिकायत किया है कि आंगनबाड़ी बहनों से जो है अवैध वसूली वहां की सुपरवाइजर कर रही है, राशन जो है दे नहीं रही है हम लाभार्थियों को, और आंगनबाड़ी बहनों से अवैध वसूली कर रही है इन मेट्रो में, तो इसीलिए शिकायत की है लाभार्थियों ने। बहुत अच्छा लगा, लाभार्थी अगर ऐसे जाग जाए और अपने चीजों को समझना स्टार्ट कर दे कि कमियां कहां से हैं, सुपरवाइजर के स्तर से अगर शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है दूध और घी ये चीजें ब्लॉकों से मिलनी है तो वो वहां से आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दाल अगर समूह वाले लेकर के ना आए, खरीद करके ना आए, जिनके खातों में पैसा 22,000 भेजा गया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो साफ सुथरा मैटर है कच्चा राशन, इसमें आंगनबाड़ी बहनों की कोई भी यहां पर कमी या गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनके स्तर से कुछ भी नहीं है, जो उनको मिलेगा वो बांटेंगी, बस ये आप समझ लीजिएगा। तो लाभार्थी समझे, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने लाभार्थियों तक भी पहुंचाएं और उनको जो है बताएं कि क्या कमियां और कहां से हैं। ये 3-3 महीना हो गया है लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, समस्या बहुत बड़ी है, और ऊपर से अधिकारी जो है घूस मांग रहे हैं और ये सब चीजें बताई जा रही हैं, ऐसा अधिकारी ने लेटर में जिक्र किया है। अगला लेटर मेरे पास आया है मुख्य विकास अधिकारी का लखीमपुर जिले में, यहां पर 16 जनवरी को निकला था और इसमें मैटर उल्टा है। इसमें आपको बताते हैं क्या लिखा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो है यहां पर अभिभावक आए, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें, पोषाहार प्राप्त करने वाले जो लाभार्थी हैं उन सबका, वो सब लीजिए और परिजन वगैरह उनके हस्ताक्षर भी करवाइए, ये सब काम बताए जा रहे हैं, रजिस्टर बनाइए, प्रतियां देखिए, ये सब करिए, सुपरवाइजरों को बोला जा रहा है। और अगर किसी आंगनबाड़ी, इसमें लिखा है देखो, यहां पर उन चीजों का सत्यापन करिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण में अगर कमी या अनियमितता यानी गड़बड़ी कुछ की जा रही है तो जो है संबंधित जिम्मेदार से उसकी वसूली सुनिश्चित करो, यानी उसी चीज की भरपाई वसूली सुनिश्चित करो, ऐसा जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सेवा भी समाप्त करो, ऐसी पत्रावली निकालो। इसके बारे में जो है यह लखीमपुर में लेटर जारी किया गया है, तो जिसके स्तर से कमियां हैं वहां पर यह हो। लेकिन आपको एक बार फिर बता दूं, यह जो मैटर है ड्राई राशन, दुग्ध सामग्री और यही सब वाला है कच्चा राशन वितरण का यूपी का, तो इसमें तो आप लोगों को साफ सुथरा पता ही है कि जो समूह वाले लेकर के आएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर, अगर आंगनबाड़ी केंद्रों तक ही नहीं पहुंचता है तो फिर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए। तो माननीय यहां के जो लखीमपुर खीरी के मुख्य विकास अधिकारी हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि आपके वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, समूह वाले जो लोग हैं अधिकारी उनके ऊपर करने की जरूरत है। अगर समूह वालों के खातों में 22,000 रुपए दाल का भेजा गया तो वो उसको खरीद करके आंगनबाड़ी तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे
तब तक वितरण कैसे होगा? और जब तक समूह वाले ब्लॉकों से जो दूध और घी मिलना है वो लेकर के आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं आएंगे, तब तक वितरण कैसे होगा? और इन्हीं चीजों के कारण अगर विभाग अधिकारी और तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आंगनबाड़ी बहनें वहां पर वितरण में क्या करेंगी, खुद से जरा सोचिए। तो शोषण और तनाव की ये स्थितियां हैं। जवाब तो आप समझते ही हैं, हम जो देना चाहते हैं आप सबको और आप भी समझ गए होंगे मैटर क्या है। तो ऐसे आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आगे देखिए, एक और मैसेज आया है यहां पर, अमरेश कुमारी बहन ने लिखा, तो उन्होंने है ऑल इंडिया न्यूज चैनल सुधांशु पटेल के लिए साफ नहीं नजर आ रहा है, इनका कुछ मैटर है। हमने थोड़ा कोशिश किया था तो शायद उनका लिखा हुआ उससे पता चलता था कि इनका प्री प्राइमरी से जुड़ा हुआ इनके केंद्र के संचालन को लेकर के कुछ उनकी बातें थी जो कि उनके वहां हेडमास्टर के साथ में जो दिक्कतें आ रही होंगी उसी मैटर पर है। साफ सुथरा होता तो हम पढ़ के बताते। अगला मैसेज बताते हैं आप लोगों को, एक आया है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के अली राजपुर वगैरह से लेटर निकला है और यहां पर आपको बता दें कि कोविड 19 संक्रमण काल के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन प्रारंभ करने के संबंध में लेटर ये निकला था और ये लेटर जो है 20 जनवरी को निकला था। तो जैसे उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं वैसे ही मध्य प्रदेश में भी 1 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं, और भी स्टेट है वहां पर भी 1 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, बाकी तो चीजें हमने आपको समय समय बता दी है क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है केंद्र खोलने से पहले। तो आगे चलते हैं और बताते हैं आपको, एक ये लेटर देखिए, लखीमपुर खीरी में भी जो है डीपीओ महोदय ने लेटर निकाला है 12 जनवरी को और यहां पर जो है ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। बहनों ने अपना सब कुछ नाम पूरा लिस्ट जो आया है वो उन्होंने भेज दिया है। 21 जनवरी से उनके वहां ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, 4 दिवसीय प्रशिक्षण है और ये लखीमपुर खीरी में भी चल रहे हैं। अब यहां पर बहन थी हमारी गीता देवी लखीमपुर खीरी से, उन्होंने ये मैसेज किया था। इनके अलावा आगे चलते हैं और बताते हैं। अगला मैसेज है, बिहार से हूं, ये मेरे पास लिखा है और अनुज कुमार भाई है, उन्होंने एक जो है लेटर भेजा था, लेटर हम कल ही ये वाला दिखा चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं, एक और हमारे पास मैसेज लगा हुआ है, ये मांग पत्र है यानी ज्ञापन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से जो है ये आया है, वहां के हमारे जो यूनियन है उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। आपको बता दें सुमित्रा देवी बहन है प्रदेश अध्यक्ष यूनियन में और उन्होंने अपने यूनियन का एक लेटर मुझे भेजा है, जिला कलेक्ट्रेट महोदय जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के लिए होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कर्मिकों को न्यूनतम वेतन की अधिसूचना तत्काल जारी करने एवं बड़े जो है बढ़े हुए मानदेय एवं एरियर वगैरह सहित भुगतान करने एवं नियमित कर्मचारी बनाए जाने व अन्य मांगों का जो है निराकरण करने के संबंध में लेटर आया है। तो यहां पर उन्होंने एरियर लिख दिया जबकि एरियल नहीं, एरियर होता है ठीक है, क्या होता है एरियर। तो आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये आप देख लीजिएगा मानदेय को लेकर के मध्य प्रदेश में वही वाला मानदेय जो 1500 जो है आप लोगों का कटौती पिछली सरकार ने किया था, नई सरकार ने घोषणा किया कि 1500 आप लोगों को पूरा मिलेगा। तो अब आपका टोटल जो है 11500 आंगनबाड़ी बहनों का मध्य प्रदेश में मानदेय मिलेगा आने वाले समय में, ऐसा बोल दिया गया था। लेकिन अभी उसके संबंध में यूनियन प्रयास कर रहा है कि वो जल्द से जल्द दिया जाए, उसका एरियर का भुगतान भी किया जाए, इसके लिए मांग उठाई गई है। लेकिन सरकार ने शायद अप्रैल वगैरह के समथिंग देने के लिए बातें कही थी। इनके अलावा बात करते हैं अगले लेटर पर, मध्य प्रदेश से एक और लेटर मेरे पास लगा है और यह है सरकारी आदेश। यह मध्य प्रदेश में जो है संचालनालय से आया हुआ है, 19 जनवरी को निकला था और जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों के लिए था, समस्त जिलों के पूरे मध्य प्रदेश के लिए यह लेटर है, आप ध्यान दीजिएगा। पोषण अभियान के अंतर्गत जो ILA घटक हैं उनमें ईआईएलए ऐप का प्रशिक्षण दिनांक 21 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, उसके संबंध में यह 19 तारीख को निकला था। यह काफी समय से हमारे पास पड़ा है, गलतीवश जो हम इसको लगाना भूल गए या हो सकता है पहले दिखाया हो हमने, दोबारा मेरे पास आ गया हो और इसीलिए आप लोगों को आज फिर से यह दिखाई दे रहा होगा, वरना कभी इतना लेट नहीं होता है कोई भी चीज। तो यहां पर उनका कहना है भारत सरकार की वेबसाइट जो है ईआईएलए की APK ऐप फाइल वगैरह डाउनलोड करवाना है और ऐप वगैरह भी इंस्टॉल करना है, यूजर नेम और पासवर्ड और ये सब चीजें, मॉड्यूल्स के वीडियो वो सब देखने हैं, प्रश्नों के उत्तर उनमें देने हैं, सफलतापूर्वक उत्तर देने पर जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ऐसा वहां पर बोला जा रहा है। तो इस मैटर को लेकर के देखिए, लिखा है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत समस्त यानी सुपरवाइजर अनिवार्यता 10 दिवस के अंदर अपनी समस्त आंगनबाड़ी बहनों को उपरोक्ता अनुसार प्रशिक्षण देते हुए कार्यकर्तियों से दिनांक 7 फरवरी 2021 तक ईआईएलए मॉड्यूल प्रश्नोत्तरी का कार्य संपूर्ण करवाना सुनिश्चित करें, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। और ये लेटर है मध्य प्रदेश से समस्त जिलों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो पूरे मध्य प्रदेश की बहनों आप लोगों को ध्यान देना है, प्रशिक्षण टाइप के चलने हैं, ईआईएलए पोर्टल पर जाकर के वहां से एक एप्लीकेशन भी है डाउनलोड करना है, फोन में लॉग इन करो, यूजर आईडी पासवर्ड आपको शायद विभाग से मिले या जो भी होगा उसको अपना देख लेना, उसके अलावा बाद में आप लोगों का 7 फरवरी को
एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट भी इसके दिए जाएंगे। आगे चलते हैं और बताते हैं, ये हमारे पास मैसेज अजय भाई ने भेजा हुआ था, मध्य प्रदेश की खबर अजय भाई ने भेजी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। इसके अलावा बात करते हैं अगले आदेश की, चलिए एक बार हम अजय भाई की जो है फोटो भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही क्योंकि डीपी वगैरह देख रहे हैं आप। आगे बताना चाहेंगे आईसीडीएस कैश जो है जनपद, यहां पर देख लीजिएगा आईसीडीएस सीएएस जनपद ऐसे लिखा हुआ है। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है आपके उत्तर प्रदेश में निदेशक राज्य पोषण मिशन, उन्होंने निकाला है ये लेटर। उनका कहना है कि जो है यहां पर 21 जनवरी अपराहन 2 बजे तक पोषण वगैरह राज्य पोषण मिशन की ई मेल वगैरह यहां पर लिखा SNMGOUP@gmail.com पर अनिवार्यता भेजना सुनिश्चित करें। इसमें परियोजना का नाम, प्राप्त कुल मोबाइल की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में चालू हालात में कुल मोबाइलों की संख्या कितनी है, कुल खराब मोबाइल की संख्या कितनी है और खराब होने का कारण क्या है, इनके बारे में जनपदों से सूचना मांगी गई है उत्तर प्रदेश में। तो देखते हैं ऊपर क्या जाता है, सिर्फ जो है खाना पूर्ति के लिए आंकड़े जाते हैं और उनका निस्तारण कितना होता है ये जरूरी है। अनीता दीदी हैं, उन्होंने भी एक जानकारी भेजी है। गुड मॉर्निंग अनीता जो है बहन अहरौली आजमगढ़ से हैं और उन्होंने जो है एक लेटर दो ये भेजे थे, साथ आपको चैनल पर दिखाए जा चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले मैसेज की, भैया बलिया जिले में तो न कोई फोन मिला है, न फोन के लिए पैसा मिला है, साथ ही ऑनलाइन कुछ भी करना होता है तो यहां ऑनलाइन करने के लिए खुद के पैसे से पैसा देना पड़ता है, राशन भी जो है पूरा नहीं मिला है, दिसंबर माह का मानदेय भी नहीं मिला है और जो है उनका कहना है वजन मशीन या लंबाई मापने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। भाई जो है मिर्जापुर केंद्र वगैरह बलिया से मिनी आंगनबाड़ी सुमन मिश्रा, तो शायद अब आपका पैसा जो दिसंबर का मानदेय वो पहुंच गया होगा, लेकिन पैसा वो तो हमारा है, यानी आपका है, वो आपका हक है। बाकी चीजें जो मोबाइल में पैसा, फोन का ये सब समस्या है, ये इसका पैसा का भुगतान सरकार को वो भी करना जरूरी है, वो उनको करना चाहिए। आगे चलते हैं और बताते हैं आपको, एक और मैसेज ये आया, संत कबीर नगर वगैरह से हैं बहन, ईसीसी की ट्रेनिंग वहां पर हो रही है, वीडियो आपको दिखाए जाएंगे सुधांशु पटेल चैनल पर। सरिता पटेल बहन उनके वहां उन्नाव से उगू से हैं, उन्होंने भी एक ये फोटो अपने वहां से भेजा है। इसके अलावा बात करते हैं आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं, ये मेरे पास आरोग्य मेला जो है यहां से भी एक फोटो आया है और आगे चलते हैं और एक ये देख लीजिएगा, नीता बहन है आजमगढ़ वगैरह से और उन्होंने दाल का वितरण किया है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर एक और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैं, जसपुर वगैरह से सुमन देवी बहन, टीकाकरण उनके वहाँ हो रहा है, वहाँ से भी उन्होंने एक फोटो भेजा। अगली फोटो आप देख सकते हो बिजौली वगैरह जिला इटावा वगैरह वहाँ से आ रहा है, राम बेटी बहन है, उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री आरोग्य मेला मनाया है। इसके अलावा बात करते हैं अगले मैसेज की, ये मेरे पास ट्रेनिंग के कुछ वीडियो हैं, इन वीडियो को भी बहुत जल्द सुधांशु पटेल चैनल पर हम लेकर के आ रहे हैं और आप लोग जरूर देखना। सुनीता सिंह बहन है, उन्होंने भी ट्रेनिंग के वीडियो भेजे हैं, इन वीडियो को हम ला रहे हैं आगरा जिले के एतमादपुर वगैरह बलरामपुर वगैरह में, एतमादपुर वगैरह ब्लॉक से शायद हैं बहन। और आगे आपको बता दें एक ये देखिए एक और मैटर आया है, ट्रेनिंग के वीडियो ही हैं और यहां पर विश्व मोहिनी बहन है मास्टर ट्रेनर के रूप में जालौन वगैरह जिले में शायद, और यहां पर देख लीजिएगा वहां से भी वीडियो आए, वो भी आप लोगों को जल्दी सुधांशु पटेल चैनल पर हम लेकर के आ रहे हैं, एक तस्वीर आप वहां से देख लीजिएगा। अगला मैटर एक और मेरे पास ये आया है, COVID-19 वैक्सीनेशन वगैरह किया जा रहा है और बहन ने लिखा है PDF आया है, समझ में नहीं आ रहा कि आप समझाने का कष्ट करें, तो इसने नाम लिखे हुए हैं जिन जिन बहनों को टीका लगना है। आगे देखिए एक और मैटर ये आया था, 6 महीने से मानदेय नहीं इनको मिल पा रहा है और ये बहन हमारी जो है जैसलमेर राजस्थान से है, तो राजस्थान में बहनों की समस्या है कि उनके वहां पैसा 6-6 महीने से बकाया बहनों का है और कई बार कहा जा चुका है फिर भी जो राजस्थान सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है। अगला मैटर आया है यूपी के जालौन से है, ट्रेनिंग वगैरह का वीडियो बहन ने भेजा है, वीडियो को जल्दी हम अपने सुधांशु पटेल चैनल पर ला रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए एक और मैटर ये है, प्रशिक्षण चल रहा है प्री प्राइमरी का और यहाँ पर आप देख लीजिएगा ब्लॉक वगैरह शायद टिलहर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, बहन ने नाम नहीं लिखा अपना। इसके अलावा यहाँ पर विश्वरमा देवी बहन है बिलसा वगैरह से, जिला वगैरह शाहजहांपुर से, उन्होंने भी कुछ वीडियो भेजे हैं, ये भी चैनल पर आएगा। इसके अलावा अगला वीडियो जो है यहाँ पर पुलिया वगैरह शायद ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मंथ झास पता नहीं क्या इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहन जो है उन्होंने भी अपना शायद नाम नहीं लिखा हुआ है, आरोग्य मेला हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा ये देखिए एक और आया मैसेज, दिसंबर मानदेय खाते में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा BLT ट्रेनिंग वगैरह ये चल रही है पूरी वगैरह सुल्तानगंज में, वहां से भी वीडियो आपको दिखाए जाएंगे। इसके अलावा अगला मैसेज ये है हमारे पास, यहां पर इनका कहना है कि वीडियो सब बहन हमारी देखती हैं, गासगंज से हैं गीता बहन, तो स्वागत है आपका भी। इसके अलावा बात करते हैं ये एक और मैटर आया है यहां पर, हैदरगढ़ वगैरह जिला बाराबंकी से, यहां पर भी जो है आंगनबाड़ी बहन है इनके वहां पर भी, नीलम शर्मा बहन, और ट्रेनिंग चल रही है, वीडियो आपको बहुत जल्द दिखाए जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए एक और मैटर आया है हमारे पास, त्रिवेणीगंज बाराबंकी से आशा वर्मा बहन, इनका भी वीडियो आएगा। इसके अलावा आप देखिए ये एक और मैटर है, सोना वगैरह लिखा हुआ आंगनबाड़ी बहन है बुलंदशहर वगैरह से, उनका जो है
गुलवती जैसे और बहन होंगी, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, उनके वहां पर भी ट्रेनिंग चल रही है, वीडियो जल्द आएंगे। इसके अलावा ये देखिए प्यारे देशवासियों, आप जो है गणतंत्र दिवस को लेकर के भाई ने जो बधाइयां दी हैं, ये भाई हमारे हैं जो अभी इनका नाम हम आपको बताते हैं, मुस्तकीम मगर अहमद भाई हैं, उन्होंने आप सबको जो है बधाई दी है देशवासियों को अपने 26 जनवरी के अवसर पर। आगे बताना चाहेंगे एक और मैटर, ये है अनिता अवस्थी बहन है, उनके वहां पर भी कुछ इस तरीके से दाल वगैरह घी वगैरह इन चीजों का वितरण हो रहा है, बीएलटी ट्रेनिंग। एक और मैटर आया है, बहन ने नाम नहीं भेजा। इसके अलावा एक और मैसेज ये आया है, यहां पर बहन ने कहा चैनल पर दिखाएं, लेकिन नाम इन्होंने भी नहीं भेजा, और चैनल पर तो आ जाएंगे, सुधांशु पटेल चैनल पर सभी वीडियो आएंगे। इसके अलावा रंगोली वगैरह का ये कार्यक्रम रीता देवी के यहां का है गोरखपुर से। और अगला एक और ये मैसेज मेरे पास अरविंद मिश्रा भाई का आया है, बलरामपुर वगैरह से है, और इन्होंने कुछ भेजा हुआ था। इसके अलावा एक और ये मैसेज मेरे पास दीपा गुप्ता बहन का है, ये भी जो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं बहन दे रही है, ऑल इंडिया न्यूज चैनल देखने वाले सभी भाई बहन को, अपने पूरे परिवार को बहन ने भेजा हुआ है। इनके अलावा आगे चलते हैं और बताते हैं, दीपा गुप्ता बहन ने एक ये अपने वहां मनाया है आज, तो उसका भी फोटो उन्होंने मुझे भेज दिया 26 जनवरी का। और साथ ही साथ एक ये मैटर देखिए, यहां पर भी जो है मध्य प्रदेश में बहने बालिका दिवस पर जो उन्होंने मनाया, शायद ये वीडियो आप लोगों को हम दिखा चुके हैं, अगर नहीं लगा होगा तो जल्दी लगा दिया जाएगा सुधांशु पटेल चैनल पर। इसके अलावा ये देखिए साजापुर वगैरह में पाडलिया वगैरह से खबर ये हमारे पास आई हुई है, तो आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा। सुनीता मालवी बहन है, उन्होंने जानकारी भेजी हुई है। और साथ ही साथ आगे बता दें एक और ये मैटर है ऑल इंडिया चैनल पर दिखाने के लिए, और ये यहां पर देख लीजिएगा, बहन ने अपना नाम नहीं भेजा है, और साथ ही साथ वीडियो इनका भी सुधांशु पटेल चैनल पर आने वाला है। पानकली बहन है, इन्होंने भी वीडियो भेजा हुआ था, इनका भी वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर ही आएगा। अब आप लोगों को बता दें आज का वीडियो कैसा लगा, दोपहर का शाम के वीडियो का इंतजार करना। देखो सुधांशु पटेल चैनल पर हम वीडियो वाला पोर्शन डाल रहे हैं, वहां बोलते नहीं है, वहां सारे के सारे वीडियो आप लोगों को वीडियो स्वरूप दे दिए जाते हैं। जो भी बहन कुछ कहना चाहे या अन्य टाइप का जो भी मैटर हो, अच्छा आप लोगों के काम का, ट्रेनिंग का, या जैसा भी हो, इसके अलावा सुधांशु पटेल चैनल पर यहां पर आप लोगों को हम बोल करके अपनी खबरें दे रहे हैं, ताकि आप लोग जैसा चाहो वैसा देखो, और हर एक चीज जिनको पसंद है वो हर एक चीज देखें। इसी